शिवपुर में आदिवासी बहुल क्षेत्र कराहल ब्लॉक के गोरस में प्राथमिक शाला से शिक्षक नदारद बने हुए हैं। एक सप्ताह भी नहीं बीता कि एसडीएम लोकेंद्र सरल को गोरस के शासकीय हाई स्कूल में 3 शिक्षक नदारद मिले, जहां आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त के द्वारा 3 दिवस का वेतन काटे जाने की कार्यवाही की गई है। मगर इसके बाद भी शाला से शिक्षकों का नदारद होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गोरस के प्राथमिक स्कूल से 21 जुलाई 2022 को एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 5 शिक्षक विद्यालय से नदारत मिले, मात्र 1 शिक्षक उपस्थित थे। वहीं आपको बता दें कि शाला में 140 बच्चे दर्ज हैं मगर मौके पर 20 बच्चे ही मिले। ऐसे में जब अधिकारियों के द्वारा विद्यालयों का सतत निरीक्षण किए जाने के बाद विद्यालय से शिक्षक नदारद हो रहे हैं तो सोचा जा सकता है कि शिक्षक स्कूल में कितने दिन उपस्थित रहेंगे। जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग वेतन कटौती के साथ स्कूल से नदारद रहने वाले शिक्षकों के साथ कुछ ठोस कार्यवाही को अंजाम दे तो स्कूलों से शिक्षकों के नदारद होने की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा। आज कितने सर आए थे बेटा? एक ही सर आए पढ़ाने के लिए, बाकी और कोई सर नहीं आया? सुबह से जब से तुम स्कूल में आए हो तब से कोई सर नहीं आया, केवल एक ही सर आया। कौन से सर आए थे बेटा? भानु सर आए हैं। बाकी स्कूल में आपको कोई सर नहीं दिखा अभी तक, है ना? कोई सर नहीं आया पढ़ाने के लिए, केवल अकेले भानु सर आज प्राथमिक शाला आपकी शाला में उपस्थित है। गोरस का कौन सा प्राथमिक स्कूल है ये? जी सर, प्राथमिक स्कूल में एकमात्र आप शिक्षक उपस्थित दिखाई दे रहे हैं, बाकी अगर डेस्क बोर्ड पर अपन देखें तो 6 शिक्षकों के नाम है दर्ज हैं, लेकिन क्या कारण है कि आप अकेले ही प्राथमिक शाला शिक्षक में उपस्थित है, बाकी इस वक्त कोई भी शिक्षक अनुपस्थित नहीं है? बता सकते हैं आज कौन कौन आया और कौन कौन नहीं आया? आज कोणला सर तो वहाँ आदित्य हैं, आश्रम पे हैं। अच्छा, वो आश्रम पे, बाकी के जो 4 बच्चे हैं? बलराम सर सीएल पे हैं आज। अच्छा, इसके अलावा? इसके अलावा रमेश सर और कैलाश सेवरे बिना सूचना के। बिना सूचना के? और राकेश रावत सर आए थे और वो बीओ कार्यालय चले गए। अच्छा, वो बीओ कार्यालय चले गए किसी काम से मतलब? जी, जबकि स्थिति ये है कि बीओ कार्यालय जाने के लिए अगर देखा जाए तो आप शाला को छोड़ करके बीओ कार्यालय नहीं जा सकते, लेकिन इसके बावजूद अगर आप कह रहे हैं तो चलो हम आपकी बात से सहमत हैं, बाकी इस वक्त प्राथमिक शाला में गोरस में केवल आप अकेले भानु प्रताप जी आप अकेले उपस्थित हैं, है ना? विद्यालय में 6 शिक्षक तैनात हैं लेकिन मौके पर एक ही शिक्षक उपस्थित पाया गया, उसको लेकर के अभी एसडीएम साहब ने भी जो है निरीक्षण किया था, तब भी शिक्षक वहाँ उपस्थित मिले थे जिनका वेतन काटने का निर्देश एसडीएम साहब ने दिया था, लेकिन बार बार यही स्थितियाँ वहाँ निर्मित हो रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एसडीएम साहब ने भी निरीक्षण किए हैं, बीओ बीआरसी भी हमारे सतत निरीक्षण कर रहे हैं, सतत वेतने कट रही है, अभी भी उनको एससीएन जारी किए हैं, अभी भी उनको एससीएन जारी किए हैं और एसडीएम साहब के निर्देश पर अगर वो होगा तो वेतन भी कटेगी, वो एसडीएम साहब को अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे। ठीक, हमने पहले भी दिए थे लेकिन बार बार ये स्थिति निर्मित हो रही है कि शिक्षक शाला में पहुंच ही नहीं रहे हैं, ऐसे शिक्षकों के प्रति विभागीय तौर पर कुछ अन्य कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उनको एक समय सीमा होगी, एक बार दो बार उनका देखा जाएगा तब फिर विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। प्रारंभिक तौर पर शिक्षक का वेतन काटना या इंक्रीमेंट रोकना या गंभीर अनियमितता होती है तो सस्पेंड भी किया जाता है, यही होता है प्रारंभिक तौर पे, ऐसा नहीं होता कि पहली बार में ही किसी पे जी को किया जाए।